नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको स्टोव के बारे में मालूमात देंगे। स्टोव में मोस्ट कॉमन थिंग तीन होती हैं, जिसमें स्टोव यानी चूल्हा, बर्नर यानी जिसमें से आंच निकलती है, नॉब्स जिसके जरिए आप इसको ओपन करते हैं और हाई फ्लेम पे और लो फ्लेम पे इसको आगे पीछे करते हैं या अप टू डाउन करते हैं। लो फ्लेम यानी हल्की आंच, हाई फ्लेम यानी तेज आंच। मुख्तलिफ किस्म के चूल्हे मार्केट में दस्तयाब हैं। पुराने वक्तों में जो चूल्हे बनाए जाते थे वो चार उनके पैर होते थे जिसके ऊपर वो स्टैंड करते थे और फिर उसके ऊपर चूल्हों का स्टैंड और फिर उसका बर्नर होता था। लेकिन अब शीट के ऊपर भी चूल्हे बनाए जा रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक चूल्हे कहलाते हैं, जिनमें नॉब्स होती हैं और साथ ही उसमें अंदर की जानेब एक सेल लगता है और ऑटोमेटिक चूल्हे पे लाइटर ऑन हो जाता है जब आप उसको प्रेस कर देते हैं गैस ऑन करने के बाद। इस तरह चूल्हा ऑटोमेटिक जलने लगता है और इसकी आंच आप आराम से तेज और स्लो कर सकते हैं। इसी तरीके से कुकिंग रेंज होता है। कुकिंग रेंज का मतलब है तमाम किस्म की कुकिंग उसमें हो सकती है। कुकिंग रेंज भी कई किस्म के स्टाइल्स में दस्तयाब है, यानी कुछ कुकिंग रेंज में 5 चूल्हे होते हैं, कुछ कुकिंग रेंज में 3 चूल्हे होते हैं, तो हर एक की अपनी मर्जी के हिसाब से होता है। कुकिंग रेंज के ऊपर एक बहुत बड़ी सी शीट होती है जिससे चूल्हों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसी शीट के ऊपर अगर आप ग्रिल फॉर्म वाला चूल्हा लेंगे तो उसकी अपर साइड पे ग्रिलिंग करने का इंतज़ाम होता है। उसके साथ ट्रे भी होता है, ट्रे में लाइंस वाली शीट होती है और ऊपर की जानिब भी एक चूल्हा होता है। और आप चाहें तो ब्रेड वगैरह या फिर बैटर लगी हुई चिकन यहाँ पर ग्रिल कर सकते हैं। उस ट्रे के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाकर आप कोई चीज़ भी आराम से टोस्ट कर सकते हैं, जैसे टोस्ट हो गया, बने बनाए खीश हो गए या फिर बैटर लगी हुई फिश, तो यहाँ पे आराम से ग्रिल हो जाएगी। इसके बाद चूल्हे एज यूजुअल वैसे ही होंगे, चूल्हों की नॉब भी उसी तरह से होगी। फिर कुकिंग रेंज में बटन होते हैं, एक बटन लाइट का होता है और दूसरा ये कि जब आप उसमें ये चेक करते हैं कि कितना फारेनहाइट है, कितने सेल्सियस पे कोई चीज़ बेक हो रही है। इसके बाद नीचे अवन होता है, अवन के अंदर आप केक और उसके अलावा बिस्किट्स वगैरह बेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अवन के अंदर एक लॉन्ग रॉड होती है जिसका कनेक्शन ऊपर की जानिब से होता है और ये रॉड दरमियान में होती है। इसके अंदर आप कंप्लीट चिकन उस रॉड पे लगा के रोटिसरी करते हैं, यानी जब आप इसको प्ले कर देते हैं तो वो रॉड घूमने लगती है और चारों तरफ से चिकन खुद ब खुद पक जाता है। इसके अलावा कुकिंग रेंज में हॉट केस होता है। हॉट केस एक और साइड पे अलहदा से बना होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर कोई भी पकी पकाई चीज़ आप इसमें रख दें किसी बर्तन में डालकर और हॉट केस की फ्लेम को ऑन कर दें। थोड़ी देर में वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गर्म हो जाती हैं। आजकल इस तरह के चूल्हे हर घर में अवेलेबल होते हैं। गाँव वगैरह में लोग नीचे बैठकर भी पका लेते हैं, नीचे चूल्हे रखे हुए होते हैं या कोई अंगेठी पे
कुकिंग करता है या फिर मिट्टी के चूल्हे होते हैं, कुछ लोग ईंटों से चूल्हे बनाते हैं। तो ये गांव के लोग या ऐसे लोग जिनके पास कनेक्शन वगैरह नहीं होता, वो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर गैस की फराहमी जिन अजला तक नहीं पहुंची होती है तो वो लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर में उनको गैस भरवानी पड़ती है, इसके ज़रिए वो चूल्हे जलाते हैं। अब हमें चूल्हों को बैलेंस ऐसे करना है, जब स्टार्ट में हम कभी किसी चूल्हे पे काम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी नॉब्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी नॉब किस चूल्हे की है। इसको हमें अच्छी तरह से बार बार चेक करके खुद को उन चूल्हों से फेमिलियर करना है कि अगर आप फर्स्ट वाली नॉब ऑन करते हैं तो कौन से चूल्हे से गैस के निकलने की आवाज भी आती है और स्मेल भी। फिर आप उसको बंद कर दें, थोड़ी देर बाद दूसरे चूल्हे को इसी तरीके से ऑन करें। इस तरह एक एक करके तमाम चूल्हों से आप खुद को आशना करवाएं कि कौन सा चूल्हा किस नॉब से ऑन होता है। इसके बाद आप इसके स्टैंड को अच्छी तरह एक्सप्लोर करें कि स्टैंड किस तरह से रखा हुआ है और उसके नीचे बर्नर की सतह कहाँ पर है। इसके बाद आप नोट करें कि बड़े चूल्हे के ऊपर बड़े बर्तन रखे जाएंगे और छोटे चूल्हे के ऊपर छोटे बर्तन रखे जाएंगे। हमेशा रोटी बनाने के लिए ऐसे चूल्हे का इंतखाब करें जिसके बर्नर पर बहुत ज़्यादा होल्स हों टॉप और डाउन में। इस तरह तवा चारों तरफ से सही तरह से गर्म होगा और रोटी अच्छी तरह पकेगी। इसके अलावा जब आप चूल्हा जलाएं तो उसके आसपास हमेशा चेक करें कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रखी जिससे चूल्हे के करीब आग लगने का कोई अंदेशा हो। जैसे आप कोई साफ़ी इस्तेमाल करके आसपास रख दें, कोई छुरी, कोई लकड़ी का चमचा, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। चूल्हे को मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद रात को सोने से पहले मेन कनेक्शन बंद करके सोएं ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए, और सुबह उठ के इसको फिर मेन कनेक्शन ऑन करके उसके बाद चूल्हे को आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि चूल्हे को हमेशा रात को सोने से पहले साफ करके सोएं। अगर चूल्हा गंदा छोड़कर सोएंगे तो आपके घर में लाल बेग या कॉकरोचेस पैदा होने का अंदेशा होगा। चूल्हे को साफ करने के लिए रेगुलरली अपने चूल्हे की तमाम स्टैंड्स को हटाइए। इसके बाद फिर उसके बर्नर्स को हटाकर इसको अच्छी तरीके से लेमन मैक्स या लिक्विड से अच्छी तरह से साफ करें और उसके बाद फिर उसको गीले कपड़े से साफ करने के बाद खुश्क कपड़े से साफ करके इसके तमाम बर्नर्स को अच्छी तरह से धोएं। अगर कोई ब्रश है तो ब्रश के जरिए उसके तमाम सुराखों को साफ करें और इसके बाद फिर इसको ड्राई करके उनकी जगह पर लगा दें और इसके बाद स्टैंड को भी अच्छी तरीके से धो के उसकी जगह पर फिक्स कर दें। कोशिश करा करें कि एक महीने में पूरे कुकिंग रेंज की बहुत अच्छी तरह से सफाई करें। डेली सफाई के अलावा भी चूल्हे को खास साफ सुथरा करके रखें। अगर कुकिंग के दौरान कोई चीज़ आपके चूल्हे पे उबल जाए, जैसे कि दूध या कोई दाल पका रहे हों तो उसका बॉयल या चावलों का, तो फौरी तौर पर उस चूल्हे को बंद कर दें। इसके बाद उसी वक्त उस बर्तन को चूल्हे से हटाएं और चूल्हे के बर्नर को और चूल्हे को अच्छी तरह से धो लें। अगर उसी चूल्हे पर आप कुकिंग करते रहेंगे तो जो चीज़ चूल्हे पर उबल गई थी वो जल जाएगी और फिर सख्त हो जाएगी, आपके लिए धोना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब कोई चीज़ अचानक या फौरी तौर पे उबल जाए तो आप वो चूल्हा बंद कर दीजिए, उसकी दोबारा से अच्छी तरह सफाई कीजिए, लेकिन हाथ बचा के, क्योंकि चूल्हा गर्म होता है। इसके बाद आप या तो वो पतीली दूसरे चूल्हे पर रख कर पकाना शुरू करें और यहाँ जैसे ही ये हल्का ठंडा होता जाए इसको फौरन फौरन उठाकर
साफ करके इसकी जगह पर दोबारा अटैच कर लें। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपने बहुत मालूमात हासिल की होंगी। अगले ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।